हरी गोड़ा गाय ले ओ, कछो हरी गोड़ा गाय ले ओ, जाई बगिया में तो फेरी बरमाय ले ओ, तो फेरी बरमाय ले, जाई बगिया में तो फेरी बरमाय ले ओ। जैसे ही ब्राह्मण देवता बैठ करके विश्राम करने लगे हैं, तो हुआ क्या, ब्राह्मण देवता को नींद आ जाती है। जैसे ही नींद आई तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, सो जाते हैं। भगवान ने देखा कि रुक्मणी का पत्र आ रहा है, लेकिन ब्राह्मण देवता को नींद आ गई है। तो ब्राह्मण देवता को भगवान कन्हैया ने सोते ही सोते दौर का में उठवा लिया है। जब दौर का में उठवाया तो हुआ क्या है, कुछ ही देर के बाद में ब्राह्मण देवता की जब नींद खुली है, ब्राह्मण देवता चारों तरफ देखने लगे और जो द्वार पर खड़े कहने लगे, अरे हम कहाँ आ गए, हम तो एक बाग में थे लेकिन यहाँ तो रंग महल बने हैं। सोई जो द्वार पर खड़े थे उनसे कहा, भैया ये बताओ कन्हैया कहाँ है। जवाब दिया, सीधे चले जाओ तुम्हें सीधे सिंहासन पर बैठे भगवान कन्हैया ही मिलेंगे। जैसे ही ब्राह्मण देवता चले तो भगवान कन्हैया को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। भगवान कन्हैया को देख करके ब्राह्मण देवता बोले, अरे तैया जो तो इतनो करिया करियो उसे करिया और रुक्मणी का तथी मर जाइए जाके बिना। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा और भगवान कन्हैया समझ गए। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर मुस्कराए तो उसी समय ब्राह्मण देवता भगवान को देख करके मोहित हो गए। कहने लगे, बारी बार रुक्मणी तेरा बर लाखों में एक है, तूने बहुत अच्छा बर चुना है। और वही पत्र निकाल करके भगवान को दे दिया और कहा, कन्हैया तुम्हें जल्दी चलना है, मेरे साथ ही चलना होगा, अगर तुम नहीं पहुंचे तो समझो रुक्मणी मर जाएगी। कन्हैया ने जवाब दिया है, ब्राह्मण देवता मैं चलूंगा कैसे, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरे भैया मुझे जाने नहीं देंगे, और जैसे ही तुम चलने के लिए तैयार हो तो एक दो ही कदम चलियो और सोई खांसी करके जमीन गिर पड़ी हो, सोई मेरे भैया समझेंगे कहीं मर ना जाए और हमें भेज देंगे तुम्हें छोड़ने के लिए। जैसे ही ब्राह्मण देवता चले और एक दो कदम चले, ब्राह्मण देवता खांस करके जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही ब्राह्मण देवता खांस करके जमीन पर गिरे, बलराम ने देखा, बलराम बोले, कन्हैया अगर ये ब्राह्मण अपने दरवाजे पर मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तासे ऐसो करो जा ब्राह्मण को थोड़ी बहुत दूर तक छोड़े आओ। सोई भगवान कन्हैया को मौका मिल गया और भगवान कन्हैया अपने रथ को लेकर के ब्राह्मण देवता को बिठा करके बांस चले हैं। भगवान ने अपना रथ कहाँ खड़ा किया है, अलोपा भगवान ने मंदिर के पीछे रथ खड़ा किया और ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता आप जल्दी जाइए और जल्दी जाकर के रुक्मणी से कह देना अगर जरा सी भी देर हो गई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ब्राह्मण देवता वहां से चले हैं। अब याद रखना महाराज, महाराज भीष्मक के घर में बिटिया एक है और दूल्हा दो दो है, और क्या हुआ, समगरा बिटिया एक सामरे दुई दूला बनिया भी समगरा
बेटी एक है और दूल्हा दो दो बन कर करके आ गए हैं दरवाजे पर। और जैसे ही ब्राह्मण देवता वहां से चले हैं दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाने लगे हैं, अरे रुक्मिणी। रुक्मिणी ने आवाज सुनी, रुक्मिणी एकदम से दरवाजे पर भागी और कहने लगी, ब्राह्मण देवता आप आ गए। अरे बेटी तूने कहाँ भेज दिया? क्यों? अरे इतना करिया लड़का, करिया से भी करिया, करिया से भी करिया, करिया से भी करिया लड़का। तो क्या हुआ? मैं तो लौट आया वापस। लौट आए? हाँ। ब्राह्मण देवता तुम्हें नहीं पता है श्याम काले हैं तो क्या हुआ? और एक बात याद रखना ब्राह्मण देवता, और बोली रुक्मिणी कि दिल के बाजार में और दौलत न देखी देवता। अगर मेरे श्याम करिया आए तो क्या हुआ? लेकिन ये बताइए कन्हैया आए या नहीं आए? नहीं आए, मना कर दिया। नहीं आए? नहीं आए। ब्राह्मण देवता आज हम समझ गए कि कन्हैया बहुत बड़े झूठा है, और अगर मैंने कन्हैया को बुलाया तो नहीं आया कन्हैया। और रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण